हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर वेरी वेल। सो सबसे बड़ी खुशखबरी है कि हमने पिछले दो वीडियो में आपको बताया था कि ये चोर व्यक्ति है जो क्वेश्चन पेपर लीक करने का दावा करता है। तो दो दिन से इसकी एक्टिविटी बिल्कुल जीरो हो गई थी और दो दिन से इसने कोई मैसेज भी नहीं डाला था। हमारा मुहिम है, हमारे कैंपेन का उद्देश्य है, हमने व्हाट्सएप ग्रुप भी इसीलिए बनाया है, स्टूडेंट यूनियन अगेंस्ट पेपर लीक। आप डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, ज्वाइन कर लेना वो ग्रुप। साथ ही साथ मैराथन क्लास भी है, पढ़ाई करो, चोरी करके कुछ नहीं हासिल होगा। चोरी कितने दिन करोगे, चोरी जीवन भर काम नहीं आएगा, ये इस व्यक्ति के लिए सुधार है। तो इसने क्या किया, ग्रुप का नाम बदल दिया है। व्हाट्सएप ग्रुप में मैंने भेजा था, ग्रुप में आप देखोगे तो इसके पहले ग्रुप का नाम था बिहार पुलिस 100% क्वेश्चन, आप इसको सिर्फ 100% कर दिया है। इसका डिटेल अगर आप देखोगे तो वही है। साथ ही साथ इस व्यक्ति का जो टाइटल है दरोगा और वो नंबर, वो यही आपको दिख रहा होगा, सेम ही है अभी तक। तो इसकी हिमाकत देखिए, ये इसने अपना काम बंद नहीं किया है, ठीक है। ये जो है इस ग्रुप में तो है ही, साथ ही साथ अगर आप देखोगे तो ये आज के टाइम में जो मैसेज इसने भेजा है वो यूपी पुलिस के पेपर लीक का भी इसने मैसेज भेजा है। ध्यान से देखिए, आप खुद यहां पढ़ पाओगे क्या लिख रहा है। ये व्यक्ति जिसका नंबर है 70507 34218, बिहार पुलिस 21.391, ये इमोजी वगैरह लगाया है, यूपी पुलिस 60244। जिसको जिसको बिहार पुलिस का रियल क्वेश्चन आंसर चाहिए, ये जेल में होना चाहिए ये व्यक्ति, चाहे पुलिस में हो या किसी भी पोस्ट पे हो, कहीं से भी हो, कितना भी हाई टचअप हो। मैंने आपको पिछला ही में समझाया था कि गुलाम की मानसिकता आप लोग बंद करिए। दो चार दस लोग हैं जो क्वेश्चन पेपर का लीक करवा के आपको 10-10 साल 20-20 साल पढ़ने को मजबूर कर रहे हैं, और इसके बाद मैं आपको समझा रहा हूं सारे जो ग्रुप है ना उनका कट ऑफ भगा दे रहे हैं। आप पढ़ रहे हो, बर्तन धो रहे हो लगातार 10-20 साल से, माँ बाप बीमार है लेकिन इलाज नहीं करवा पा रहा है, आप क्या कर रहे हो, आप बस उसकी गुलामी कर रहे हो। क्यों? क्योंकि 10 लोग 20 लोग क्वेश्चन पेपर लीक कर दे रहे हैं, उसे पैसा कमा रहे हैं, राजा बना रहे हैं, वो अपना घर बना रहे हैं, अपने बच्चों को अच्छे जगह पढ़ा रहे हैं, आप अभी भीख मांगने को मजबूर हो गए हो। महीने के आखिरी में 5 दिन 10 दिन जब बचता है घर से पैसा आने में, तब आप दोस्त से रिश्तेदार से मांगते हो कि भाई अमित भाई, समित भाई, रंजीत भाई, थोड़ा 500 रुपया दे दीजिए, 10 दिन बचा है अभी, घर से पैसा आए। कई बार पैसा खत्म हो जाता है, सिर्फ चावल दाल खा के आप लोग गुजारते हो। ये हो रहा है बच्चों के साथ, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं, मैं ऐसे ही मुंह उठाया बोल दिया, मैंने खुद BHU से UGPG की पढ़ाई की है। ये एकदम अनजस्टिफाइड इनजस्टिस है, इसकी हिम्मत देखिए, ये यूपी पुलिस का भी क्वेश्चन पेपर लीक करने निकला है। बात आप समझिए, इसने क्या किया कि बिहार पुलिस तो शामिल था ही, यूपी पुलिस को भी ये कह रहा है कि 24, 23, 24, 25 अगस्त, 30 अगस्त, 31 अगस्त को जिसको चाहिए मैसेज करिए फास्ट। और पिछले वीडियो में मैंने दिखाया था कि कितना रुपया का डिमांड कर रहा है, देखो जरा ध्यान से, 500 और 1000 रुपया ये डिमांड कर रहा है। यह ऑफर 1 अगस्त तक है, 1000, उसके बाद 5000 लगेगा। अब आप खुद सोच लो कि क्या ये 500 हजार में आपको क्वेश्चन देगा, ये मूर्ख बना रहा है। सरकार इतनी मुस्तैदी से सख्त हो गई है इस बार कि अब क्वेश्चन पेपर लीक नहीं हो सकता है। आप इंटरनेट पर देखोगे कई सारे पुलिस मुख्यालय से या पुलिस के जो बड़े बड़े पदाधिकारी हैं वो सख्त हैं इस चीज पे, पुलिस कभी भी किसी को दबोच सकती है। मैं एक मीडियम बन रहा हूं ये इनजस्टिस के खिलाफ, इसके इसको पकड़ना जरूरी है। ये इतना ही नहीं है, टेलीग्राम पे भी इसने अपना नाम बदल दिया है, ठीक है। हर चीज को उजागर करना जरूरी है। देखो मैं एक सोशल वर्कर हूं, सोशल वर्क की पढ़ाई की है मैंने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से। एक चीज सिखाते हैं सोशल वर्क में कि हल्ला जरूर करो, कोई भी गलत काम करता है ना, ठीक है तुम उसको नहीं रोक सकते हो। देखो बच्चे अभी भी जुड़ रहे हैं, अभी लाइव एक बच्चा जुड़ा इसमें, इस ग्रुप में देखो आप खुद, ये अच्छी अच्छी न्यूज भेज देता है और फिर लिखता है कि विद्यार्थी ध्यान दे, इसके बाद कोई ऑफर नहीं रहेगा। ऑफर में क्या दे रहा है देखो, इसकी चुट्टागिरी समझो इस चोर आदमी का। ये दे रहा है कि क्वेश्चन आंसर मिलने का टाइम है 8 से 90 प्लस, सही पिछले बार भी दिखाए थे। अगर आपका भी सपना है बिहार पुलिस में भर्ती तो यही सपना पूरा करेगा, सरकार उरकार की जरूरत नहीं है, यही व्यक्ति जो है ग्रुप वाला यही आपका सपना पूरा करवा देगा। काहे ला पढ़ रहे हो, तब इसी के पास चले जाओ, इसी से बोल दो कि भैया नौकरी दिलवा दीजिए हमको। समझ में आ रहा है बात क्या कह रहे हैं। पेड ग्रुप में ज्वाइन होने के लिए मात्र अभी 1000 रुपया लगेगा, ये लिखा है इसने, ये ऑफर बढ़ा दिया गया है आज 5 अगस्त तक 11 बजे तक। 5 अगस्त के बाद जिस तरह फॉर्म भरा जाता है, फॉर्म भरने में आपको दिया जाता है टाइम कि भाई इस 5 बजे तक फॉर्म आपका लिया जाएगा, उसके बाद नहीं लिया जाएगा, वही हाल इसने कर दिया। तो किस लेवल की गुलामी और किस लेवल की गुलामी वाली मानसिकता है बच्चों, इसको खुद आप लोग देखो, मुझे दिखाने की किसी को जरूरत नहीं है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है, क्योंकि इसी पेड ग्रुप में 60 महीने पहले ही आंसर भेजा जाएगा, ढेर सारा लिंक भी आपको देगा, इसको पकड़वाना जरूरी है।
अगर ये नहीं होगा, क्योंकि ये कैंसर है, कैंसर आप पढ़ते हो ना, कैंसर में कैंसरस ग्रोथ हो जाता है सेल का, ये इतना इसको थोड़ा भी डर नहीं है, अभी तक हमने जितना भी हल्ला किया, जितना भी लोगों को समझाया, उसमें इसमें डर नहीं आ रहा है। आप समझ रहे हो चीज, आपको ये कितना हल्के मिल रहा है, कितने लोग ही पेपर लीक कराने वाले गुट, 100 लोग, विद्यार्थी जितने हो मालूम नहीं, लेकिन 100 लोग ज्यादा से ज्यादा नहीं होंगे, 100 लोग मिलकर के 18 लाख को गुलाम बना रहे हैं। सोचो कहां किस दलदल में फंसे हुए हो आप। आपको करना क्या, ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करना है और कुछ नहीं करना। वीडियो जितना शेयर करोगे ना, उतना ज्यादा इस पे असर पड़ेगा। अभी डर से सिर्फ अपना इसने नाम बदला, ये अपना ग्रुप बंद करेगा अभी, और इसको पुलिस के पास भी इसकी जानकारी हो चुकी है। आप लोगों को अगर नहीं पता होगा तो आप इसको समझ लो, ये जानकारी पहुंच चुकी है और एक्टिव मोड में आ गई है। इसको दबोचेगी पुलिस। ये लोग सोच रहे हैं ना कि सर्टिफिकेट जमा करा लेंगे, बच्चों को ऐसा कर देंगे कि वो किसी से कहेंगे नहीं, खुलेआम कहेंगे, हम बच्चे खुलेआम शेयर करेंगे। शेर के बच्चे हो, गीदर के बच्चे नहीं हो कि इन टुच्चे लुच्चे लफंगों से, राजनीतिक लफंगों से बच के डरने की जरूरत है। ये सब लपड़झंडस आदमी है सोसाइटी के, सीधा समझो, इनका कोई अस्तित्व नहीं है, कीड़े मकोड़े की तरह जन्म लिए हैं, उसी तरीके से मर जाएंगे। बताओ, मेहनत से लड़का पढ़ रहा है, साल साल भर दौड़ रहा है, पटना साइंस कॉलेज में जाकर के बरसात में भी दौड़ता है, सब कितनी खराब स्थिति है, समझ रहे हो आप। ये चीजें सुधरनी चाहिए, मेरा सीधा एक मकसद है, ये चीजें सुधरेंगी तभी जाकर के सुधार होगा, नहीं सुधार होगा तो जिस दलदल में आप हो, उसी गरीबी उसी बदहाली में आपका नेक्स्ट लेवल भी पहुंच जाएगा। थैंक यू सो मच, बाय फॉर नाउ।